दर्शकों ब्रेक बाद आप सब कहें व्यूअर्स गलबात कर जा रहे हैं कि मोदी सरकार ने दरबार साहब अमृतसर न लगदिया सराव ठहरन वाले यात्रुओं से 12% GST टैक्स ला दिता है। हुण श्रोमणी कमेटी को करोड़ों रुपए हर साल सरकार को GST टैक्स वजो देने पैणगे। सो हैंकड़े हुए हिंदू तवी हाकमां नूं जवाब देण लई श्रोमणी कमेटी वल्लों कुल सिख यकत नूं जिहड़ी है अपील करनी चाहीदी है कि वह 15 अगस्त नूं अपने घरां अते कारोबारी अदारियां ते केसरी झंडा लहराउण। हुण सरकार नाल खुल के टक्कर लैण दा समां आ गया। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हां और नाल ही रूह दी खुराक गुरबाणी विचारां सां करना पाई जाएगी। सो असीं चाहवांगे कि तुसीं सानूं इस तरह बने रहना देखण सुन लई ऐन लिखण लई तुहाडा सब दा पोपो शुक्रिया जी। राज साहब की विचारां ने? देखो भारत की हकूमत वालों और उन्होंने स्टेट इकाइया वालों जिते BJP की हकूमत है रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है जिहड़ा ये सानू रियलाइज़ करवाता है कि असी मुल्क दे विच दूसरे दर्जे के शहरी हैं सैकेंड क्लास सिटीजन और साडे धार्मिक थावां भी महफूज नहीं ने। बहुत बार असी मुगलिया पीरियड खास तौर पर औरंगजेब के जमाने के जजिया टैक्स की गल करते हैं लेकिन अज जे देखा जाए कि जिस कदर हिंदुत्वी हाकमा ने हिंदुत्ववादी विचारधारा लागू किया होया घट गिणतियाँ सिख मुसलमान ईसाई वो एक बंधुआ होस्टेज बने हुए ने उन्होंने और ईवन धार्मिक मुद्दों पर भी जड़ा उन्होंने जजिया देने दे उत्ते मजबूर किया जा रहा है। धार्मिक आज़ादी की गल करते हैं तो असी ऑलरेडी देखते हैं कि किमें पटियाले तो बाद दूसरा शहर जलंधर है जिथे सिख विद्यार्थियों के कड़े लुआए गए एग्जाम च बिठाण दे लई ये पंजाब की गल हो रही है। राजस्थान च की होया ग्रंथी नाल दिल्ली च की हुंदा है बाकी थावां ते की हुंदा है और हुण इत्थे ही बस नहीं जदों असी दरबार साहब का जिक्र करते हैं दुनिया भर च हर सिख माण महसूस करता है कि भाई उत्थे 1 लाख तो ज़्यादा लोग रोज़ाना दुनिया भर तो आते हैं उन्होंने लिए मुफ्त लंगर का प्रबंध है और चारों दरवाजे खुले ने और ये जी सिखा की सेवा की आइडियोलॉजी है खुल डुल की गल है हर एक दे नाल बराबरी की गल है जिहड़े लोग दुनिया जिन्हां दुनिया के अड्ड मुल्कां दे प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट्स उन्हां दे डिप्लोमैट आते हैं वो बहुत प्रभावित होकर जाते हैं और इहदे च भी कोई शक नहीं है कि जिहड़े ईवन आस्ट्रेलिया का होए कि कैनेडा का होए कि UK का होए जाके यकीनी बनाते हैं कि उन्होंने लंगर दे विच सेवा भी करनी है और वो समझते हैं उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स ने लार्जेस्ट ईटरी इन द वर्ल्ड कहा सी लंगर गुरु रामदास हुण जे लखां लोग जाते हैं तो जाहिर है कि वह ठहरते कित्थे ने एक पासे तो होटलिंग लाइन है पर जिहड़े धार्मिक तौर पर डिवाउट सिख ने वो जिहड़े नाल लगदियां दरबार साहब के जिहदे लई पुराना लफज सरां इस्तेमाल किया जाता सी अज होटल है और कपल ऑफ जिहड़े ने इस पीरियड च श्रोमणी कमेटी ने उसारे ने ताकि आने वाले यात्रुओं के लिए जड़ा अच्छा प्रबंध होए उन्होंने जड़ा वो चंगा टिकाणा मिले और ये सारे दे विच जड़े मैनू भी नहीं सी पता कि भी इनिया ज़्यादा हुण उत्थे सरावां ने जां उत्थे निवास ने जिन्हां दे विच लोग जाके रहिंदे ने और उन्होंने जड़ा कुछ तो गुरु रामदास राम वर्गे तो मुफ्त ही हुंदे जो पुराने किन्ने 100 कमरे सी 300 तो ज़्यादा 100 साल पहला दी बनी हुई लेकिन हुण जिहड़े नवे इस पीरियड दे विच बने ने उन्हां नूं यात्रुओं नूं उसे लई पे करना पैंदा क्योंकि उहदी मेंटेनेंस बहुत सारे दे विच फ्लश सिस्टम है उन्हूं किवें ऑपरेट करना है और इस सारे दे चलदे आ उन्होंने सेंटर गवर्नमेंट ने जिहड़ा अज एक नादरशाही फरमान जारी किया है कि जिन्नियां भी सरावां इनज श्रोमणी कमेटी दे कोल थले ने जिथे कि दरबार साहब के दर्शनां नूं जाण वाले यात्रु रुकते ने उन्हां दे उत्ते 12.5% GST ये जजिया मन्निया जाए ये लागू होएगा। सो उहदा नतीजा ये होएगा कि करोड़ां रुपया होर उन्हां नूं देना पएगा और पिछला कि तुसीं नहीं दिता उहदे लई भी उन्होंने जिहड़ा है हुण जुर्माना आयत कीता और ईवन इस फैसले तो बाद बेशक जिवें असी आम आदमी पार्टी के हवाले नाल इन्हां नूं नंबर 2 टीम कहिंदे BJP दी ईवन भगवंत मान ने इस दे उत्ते कहा भी शर्म होनी चाहीदी है सेंटर नूं रोल बैक 12% GST ऑन सराइज नियर गोल्डन टैंपल पंजाब चीफ मिनिस्टर के ये
वापस लो, क्योंकि ये जड़े सारे ने लोग इतने तो धार्मिक भावना नाल आते हैं और तुहानू कोई हक नहीं है कि भी तुसी लोकां दे धार्मिक जज्बातों के नाल खेडो। और उन्हां दा ईवन धार्मिक दर एक पासे तो अमरनाथ तो लैके दूजे तक करोड़ों रुपए सरकारी खजाने चो खर्च के इस गल नूं यकीनी बनाया जा रहा है कि हिंदुआं दी एक्सेस जिहड़ी है भारत के हर मंदिर तक होए। और इस दे उत्ते जिहड़ा ईवन एस जी पी सी ने भी स्ट्रोंग लाइन लई है, उन्होंने कहा जी एस जी पी सी रन सराइज आर मेंट फॉर कन्वीनियंस ऑफ पिलग्रिम्स हु विजिट गोल्डन टैंपल फ्रॉम फार ऑफ प्लेसिस, दीज आर नॉट कमर्शियल वेंचर्स टू अर्न प्रॉफिट, एनी काइंड ऑफ टैक्स कैन नॉट बी जस्टिफाइड। कि भई ये कोई प्रॉफिट बनाने वाले अदारे थोड़ी ने, श्रोमणी कमेटी अपने आप च भी नॉन प्रॉफिट है और ये सारे जड़िया ने इस दे उत्ते तुसी लागू कर रहे हो। और इन्हां दे विच जिहड़े सरावां ने बाबा दीप सिंह यात्री निवास है, माता भाग कौर निवास है, श्री गुरु गोबिंद सिंह NRI निवास है और इस तो इलावा अकाल रेस्ट हाउस दूसरे तो पहले ही एग्जिस्ट करते हैं। ये सारे नाम है भी पहली बार नवे सुने ने। सो हुण इस तो जाहिर हो जाता है कि उन्होंने तुहाडे दरबार साहब की वड्याई भी चुभदी है, वो तुहानूं एहसास करवाना चाहते हैं कि भाई जे तुसी इस दरबार के दर्शन लई आओगे तो तुहाडे ते असी जजिया ला रहे हैं 12% जिन्ना है। और उहदा नतीजा यह होएगा हुण 12% देखण नूं लगता है भी ये थोड़ा इहदे नाल जिहड़े कमरे जिवें माई माता भाग कौर निवास के 300 रुपये कमरा मिलता सी, ये GST लग के 336 रुपये का होएगा। बाबा दीप सिंह निवास 500 रुपये का 560 रुपये का होएगा। NRI जिहड़े बाहरों जाण वाले ने 700 का 784 रुपये। गल ये नहीं है कल्ली कि भाई उन्होंने जिहड़े रहण वाले ने बच यात्रू, क्योंकि श्रोमणी कमेटी ने तो अगों उन्हां ते इंप्लीमेंट, पर तुसी इन्हां दी नीयत देखो किवें बद नीयत ने कि एक पासे मोदी सिखां दा यार मनजिंदर सिरसा, इधर आदित्यनाथ योगी सिर ते गुरु ग्रंथ साहिब चुक के अपने UP लखनऊ निवास जा रहे, पर इन्हां दी असलीयत की है। और असी समझदे हां, हालां असी कल जिहड़ा सैगमेंट है कीता है कि 15 अगस्त वाले दिन सिख दुनिया भर च अपने घरां दे बाहर अपने कारोबारां दे बाहर केसरी निशान साहब झुलाण पंजाब खास तौर पर, क्योंकि इन्हों की घर घर तिरंगा मुहिम के थले इन्होंने पंजाब को टारगेट किया होया कि उत्थे दसना है कि पंजाब असी तिरंगे च रंगे। मैं समझदा भी इत्थे बेशक कॉल दल खालसा ने दिती, बरगाड़ी मोर्चे वाले ने दिती, वारस पंजाब दे ने दिती, पर इस करतूत तो बाद कि GST वो तुहाडे जिहड़े दरबार साहब के दर्शनों नूं जा रहे उन्हां ते ला रहे ने, श्रोमणी कमेटी नूं एक कॉल देनी चाहीदी है कि इहदा जवाब यह है कि भाई असी जे तुसी तुहानूं इस मुल्क दे अंदर साडा ये दरबार जिहड़ा सब दे लई खुल्ला है ये कबूल नहीं है तो हर सिख जिहड़ा अपने घर के बाहर केसरी निशान साहब लहराए, ये कॉल श्रोमणी कमेटी वालों। तो जिहड़े इन्हां दे उह एक्टिंग करन वाले जथेदार रखे हुए ने एक्टिंग हरप्रीत सिंह, वह भी जे कॉल दे दे घट्टो घट बयान च बयान तो एक रल जाता है, लेकिन ये गल दसदी है कि साडे लई सिख कौम लई मुकम्मल आज़ादी किन्नी अहम है, नहीं तो ये किवें अज ये दरबार साहब इस हद तक पहुँच गए हैं। पहला इन्होंने लंगर दे उत्ते GST लाया सी, फिर ये होया जी बड़ा थैंक यू किया बादलों ने, देखो जी GST उन्होंने कहा जी ठीक है ये नहीं असी ये तुहाडे तो करोड़ों रुपये इकट्ठे करांगे। सो इहदा जवाब यही है कि असी 15 अगस्त वाले दिन अपने निशान साहब लहराइए और अपनी इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क की जिहड़ी स्ट्रगल है सीधे सीधे होके, तो हुण सीधा सीधा तुहाडे गुरद्वारियां ते हमला होर की हुंदा है। और असी जिवें क्लोजिंग दे विच रूहानी विचार करदे हां, पंजवें पातशाह का शब्द है श्री राग दे विच, श्री राग महला पंजवां, संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार, जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उदार, जप मन नाम एक अपार, प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार रहाओ। रहाओ दी तुक तो विचार शुरू करते हैं कि हे मेरे मन एक रब दे नां नूं याद कर जिहड़ा पार नहीं पाया जा सकता, अपार का मतलब जिहदा कोई पारावार नहीं है। प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार, जिन्हें तनु प्राण दते ने मन तन
और यही रब का ना तेरी जिंदगी का आधार होना चाहिए और इसे ही जिंदगी कट्ठा कर संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार सारे विकार काम क्रोध लोभ मोह हंकार अना ईरखा चुगली निंदिया ये सब छड़ के उस सच्चे नाम दे तन नू कट्ठा कर सतगुरु नू अपना इष्ट मन के सतगुरु दियां सिख्यावां दे उत्ते अमल कर जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उदार कि जिन्हें तनू बनाया सवारिया उनू सिमर के उनू याद करके उदी इबादत दे नाल ही तेरा उदार हो सकदा है। काम क्रोध अहंकार माते व्यापिया संसार पौ संत शरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार कि तनू जिंदगी तो रब ने दिती सी इबादत दे लई सिमरन दे लई बंदगी दे लई पर तू काम क्रोध और हंकार दे विच ही इन्हां नशियां दे विच गवाचिया रहा यही सारे संसार नू व्यापिया होया भले लोकां दी शरण च आ ते उन्हां दे शरणा दे उस उन्हां दी चरण शरण च आण तों बाद तैनू ये समझ आएगी कि मिटै दुख अंधार कि तेरे अंदर जिहड़ा अज्ञानता दा हनेरा पसरिया होया ये हनेरा दूर होएगा। सत संतोख दया कमावे ये करनी सार आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार के काम क्रोध मद जो तुम छड़दे हो तो फिर कि वासा होंद सत संतोख दया कमावे जिंदगी सच दियाँ लीह के उत्ते तोरना सच के उत्ते तुरना संतोख कि जो मिले है उस तुहाडी शुक्रगुजारी संतोख दे विच रहना दया क्योंकि तौल धर्म दया का पूत धर्म का मतलब ही वो दया का पुत्र है जे कंपैशन नहीं है रहम नहीं है जिहड़ा रब च यकीन रखने वाला बंदा है तो जो भी वह कर रहा वह फ्रॉड कर रहा है। सत संतोख दया कमावे ये करनी सार यही जे जिंदगी दे सार नू लभना होए कि सार्थक साडा की जीवन है तो उही है जिहड़ा सत संतोख और दया दे विच बतीत हुंदा है आप छोड़ सब होए रहना जिस दे प्रभ निरंकार कि जिहड़ा अपने आपे नू अपने हंकार नू छड के ह्यूमिलिटी दे विच आंदा है जदों इह कहा जांदा है कि जी रेण होए रेण मिट्टी नू कहंदे ने उहदा मतलब इह नहीं वी तुसीं किसे दे पैरां दी मिट्टी हो जाणा है। बिल्कुल इह अपने आप नू समझणा कि भाई मैं हंबल हाँ और मैं दूसरियां दे लई अपने हंकार दा त्याग कर रहा पर इह वी तां ही संभव हुंदा है जिस दे उत्ते वाहिगुरू दी कृपा हुंदी है जिस दे प्रभ निरंकार और अखीरला पद है जो दीसै सो सगल तू है पसरिया पासार कोह नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार के जो भी नज़र आ रहा है चार चफेरे असी मन दियाँ नज़रां नाल इक तां दुनियावी अखां ने पर जिथे मन तो चार चफेरे घूमदा है कबहू जीड़ा ऊब चढ़त है कबहू जाए प्याले लोभी जीरा थिर न रहत है चारे कुंटा पाले जो दिसै सो सगल जो भी नज़र आ रहा है पसरिया पासार जिनी क्रिएशन नज़र आ रही है ये तू ही है ये वाहगुरु ये तेरा ही पसार है कोह नानक गुर परम काटिया पंजवें नानक गुरु अर्जन पातशाह फरमाते ने कि गुरु ने रहमत की मेरे अंदरों परम भुलेखा शंका दुबिधा ये खत्म हुई सगल ब्रह्म विचार और मेरे अंदर मैं चार चफेरे उस वाहगुरु नू ही देखदा है उस वाहगुरु का पसारा ही है और इस पसारे दे विच ही वाहगुरु वसदा है ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੂ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਭਲੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ tv4 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।